साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी, और बोलेंगे जय गंगा मैया। पर चवन्नी अठन्नी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो। मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में? जिसको देखो वही राजनीति पे लाए। चाहे ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोसड़ी के, लेकिन एक बात जान लो, 80 पे कहीं लोकतंत्र है तो है पप्पू की दुकान पे। और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वो 80 की राष्ट्रभाषा है। का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहे। नौकरानी बना के रख दिया हमें, कभी लाओ कभी वो लाओ, कभी खिलाओ कभी वो पिलाओ, जैसे ये घर नहीं होटल है होटल, और लगी रहती हो नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसको उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मूते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है, जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने वो लहंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में, और कहाँ। संभल के रहना बहना, अंग्रेजन बड़ी वो होती है, थूर देंगे। इंडिया को बहुत लाइक करती है। आज का इंडिया क्या है जानना सा। के सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा, इंडिया इज इन मेमोरी लॉस, अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स, इंडिया इज आत्मविस्मृत। कहां मर रहे थे आज भी लेट? गुरुदेव एक जगह तेरे की पूड़ी खाने गए थे। देखो एक बात जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावट, ना तीज, ना तेरे ही, इसलिए अपने पर भरोसा रखो। थोड़ा संस्कृत पर लिख लोगे तो आत्मज्ञान पा सकोगे, वरना एक पाव आटा, दो आलू, 5.25 रुपए के सीधे के लिए जजमान को ढूंढते रहना। अरे 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े और जाए। पर 80 के मल्लाह, खटीक और दूसरी जातियाँ तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है, और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर होटलों में लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत, तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं, भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। अरे कहना क्या चाहते हो? वाराणसी इज डाइंग। तो क्या चाहती हैं आप? मठ और आश्रम राणों से भरे रहे, सड़क सड़क और गलियों में जहां तहां गोबर करते रहे, जो धूर्त दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूतिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहे। आस्ते आस्ते डॉक्टर, हल्ला नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो? वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिर हिला रहे हैं। किसी बनारस के लिए 7 समंदर पार से दौड़ लगा रहे हैं ये भोसड़ी के अंग्रेज। अरे यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट में बैठ के मूर्ति भी? हम 80 की ईंट से ईंट बजा देंगे पर एक भी मूर्ति खिसकने नहीं देंगे। हम कैसे मान लें शिवजी सपने में आए? अरे ये क्या बात हुई, शिवजी सपने में क्यों नहीं आ सकते? क्या सबूत है आपके पास कि शिवजी ने सपने में आदेश दिया? अरे अब सपने का सर्टिफिकेट कोई कहां से लाए? ये तो वही बात हुई कि रामलला के जन्म का सर्टिफिकेट लाओ, क्यों तिवारी?
अस्सी को अयोध्या बनाना चाहते हैं आप लोग? और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग। राधे श्याम, देख रहे हो अस्सी के पंडों का पाखंड? अब बताओ इन पंडे पुरोहितों का पुतला कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। बाजार में खड़ा तुम्हारा सी बेच